प्रिय बच्चों, कक्षा 11 और शीर्षक साथी कबीरदास। हम क्रमांक 10 तक पढ़ा चुके हैं, उसके बाद अगली साथी कबीर लिखते हैं, कह मेरा हिंदू नीच दे कह आपा दिखदा है, आठ पहर का दाजना रूपे सहान जाए। प्रस्तुत साखी में यह बताया है कबीरदास ने कि जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा प्रियतम के रूप में और परमात्मा प्रियतम के परस्पर प्रेम करते हैं और प्रत्येक जीव की जीवात्मा उस प्रभु मिलन के लिए तड़पती रहती है। जीवात्मा कहती है परमात्मा से, कहे परमात्मा कह माने अथवा मेरा ही माने मेरा ही नहीं, नीच माने मृत्यु, हे ईश्वर तू मुझे या तो मृत्यु दे, के आपा दिखता है अथवा आपा अपना स्वरूप दिख रहा है। केवल दोनों काम से एक काम मेरे लिए कर दे परमात्मा, या तो मुझे मृत्यु दे दे, और अगर मृत्यु नहीं देना चाहता है तो मुझे अपने दर्शन करा, क्योंकि आठ पहर का दाज हो, आठ पहर का मतलब है दिन रात 24 घंटे, पहर का मतलब होता है 3 घंटे का समय, 8 + 24 24 घंटे का एक दिन और एक रात। कहने का भाव है कि हर क्षण दाहना संताप जलन दुख विरह मुझ पर सहन जाए, मुझ पर सहन नहीं होता, इसलिए आत्मा निवेदन करती है परमात्मा से कि हे ईश्वर तू या तो मुझे अपने दर्शन करा दे, और दर्शन नहीं देता है तो मुझे मृत्यु दे दे, मेरे जीवन को समाप्त कर। अगले साथी में लिखते हैं कबीर, कबीर रेप सिंदूर की काजल दिया न जाए, नेम रमैया नंद रहा दूजा कहां समाए। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए अपने सिर की मांग में सिंदूर भरती है, सिंदूर से सजाती है, उसी प्रकार कबीर कहते हैं कि मैंने अपनी मांग में सिंदूर भर लिया है। क्यों? एक और विशेष बात, प्रेम का रंग होता है वह विद्वानों ने लाल कहा है। कबीर कहते हैं कि मैं तेरे प्रेम में पूरी तरह रंग चुका हूं, इसलिए काजल किया न जाए, मैं उसमें काली रेखा नहीं लगा सकता, मैं उसमें काला नहीं कर सकता, और काजल लक्षणा शक्ति में इसका अर्थ है सांसारिक वासना। मैं प्रभु के प्रेम में आसक्त हो गया हूं, इसलिए अब मैं सांसारिक वासनाओं में आसक्त नहीं होना चाहता, और नैन रमैया रम्य रहा, क्योंकि मेरे
भैया ईश्वर राम भैया रमा हुआ है। कबीर के तन में मन में नैनों में ईश्वर का रूप समा गया है, इसलिए वो कहते हैं कि दूजा कहां समार है। मुझे इस संसार की अन्य किसी की वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे मिल भी जाए तो मैं उसे कहां रखूंगा, मेरे पास कोई भी दूसरी जगह नहीं है। अर्थात कभी केवल प्रभु से ही प्रेम चाहते हैं, प्रभु से ही साक्षात्कार चाहते हैं। सायन जवाहर